नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि परीक्षा के तनाव से कैसे निपटा जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी बिल्कुल नजदीक है। इसलिए परीक्षा में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बहुत से बच्चे इस दौरान तनाव में आ जाते हैं, परीक्षा के नाम से घबरा जाते हैं, पता नहीं परीक्षा के अंदर तो क्या होगा, पता नहीं मेरे कितने नंबर आने पाएंगे, पता नहीं मेरे इतने नंबर आ गए तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इस प्रकार की ऊहापोह के अंदर होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप परीक्षा को एक त्योहार के रूप में ले, जो एक साल के बाद आता है, जिसको आपको इतना इंतजार रहता है कि एक साल के बाद मैं परीक्षा देख करके आगामी क्लास के अंदर हो जाऊंगा। परीक्षा से घबराए नहीं। आपके मन के अंदर विचार आते होंगे, यार मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा तो फला चैप्टर क्लियर नहीं है। ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। मैं आपको बता दूं कि जो इंसान कितना ही पढ़ ले फिर भी कहीं ना कहीं तो कसर रह ही जाती है, वो सोचता है कि इससे अच्छा और हो सकता था। आप परीक्षा की इन तैयारियों के दौरान जब पढ़ें तो पानी का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि दिमाग के अंदर भी 85% तक पानी रहता है, और जब हम पानी का भरपूर उपयोग करते हैं तो दिमाग को एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि परीक्षा जिस दिन हो उससे पहले दिन रात को आप अच्छी नींद लें, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद लें। जब हम भरपूर नींद लेते हैं तो दिमाग के अंदर मेमोरी बनाने वाले रसायन स्रावित होते हैं, और अगले दिन एग्जाम हॉल के अंदर हमें वो प्रश्न अच्छी तरीके से याद आने लगते हैं। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएं और वहां पर बैठें तो अपने दिमाग के अंदर ये कल्पना करें कि देखो मैं कितना खुश नसीब हूं, कितना किस्मत वाला हूं कि मैं पेपर देने बैठा हूं और आज वो दिन आया है। जब एग्जामिनर आए और आपके हाथ में पेपर पकड़ा दे तो घबराए नहीं, पेपर को प्यार से देखें कि जिस चीज का इतना इंतजार था वो मेरे को अब इतना मिल गया। प्यार से देखें, उसको पकड़ें, अच्छी तरीके से हाथ सहलाएं। पेपर लेने के बाद पेपर को अच्छी तरीके से आप पूरे तरीके से पढ़ें। हो सकता है कि आपको पढ़ने के बाद एक बार ऐसे लगे यार मेरे को तो पेपर में बहुत कम आता है, या ऐसे लगे मेरे को तो हर प्रश्न के थोड़े थोड़े उत्तर आ रहे हैं, बाकी मैं तो भूले जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं घबराएं, ये आपके साथ ही नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। हम पढ़ते थे तब हमारे साथ भी ऐसा होता था, अरे पेपर में तो मेरे को थोड़े थोड़े आ रहे, कैसे क्या करूंगा। जब आप एक बार पेपर पढ़ लेते हो तो आप सबसे पहले वो प्रश्न हल करें जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से याद है, उस प्रश्न को हल करें। सुंदर राइटिंग रखें, पैराग्राफ बना करके लिखे, बड़े प्रश्न का उत्तर है तो जिसके अंदर आप कोई बिंदुवार विश्लेषण दे रहे हो, पॉइंट्स बना रहे हो, तो उनको अंडरलाइन भी करें। जब आप एक प्रश्न हल कर लोगे तो निश्चित रूप से ही दूसरा प्रश्न आपको याद आ जाएगा, दूसरा प्रश्न आपको याद आने लग जाएगा कि इसका उत्तर ये होगा। धीरे 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 जब हम एक बार शुरुआत में पेपर को पढ़ लेते हैं, मान लें पेपर के अंदर 20 प्रश्न है, हमने 20 के 20 प्रश्न एक बार पढ़ लिए तो हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं चले गए, और दिमाग अवचेतन मस्तिष्क उनका उत्तर खोजने में लगा रहता है, और जब हम उस प्रश्न तक आते हैं तो उसका उत्तर भी हमें मिल ही जाता है और हम कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा है, परीक्षा को परीक्षा की तरह ले, ये कोई आपकी जिंदगी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बहुत से बच्चे मैंने देखे, और जैसे हम अखबारों में टीवी पर न्यूज आती है सुनते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, परीक्षा के दबाव में आत्महत्या कर ली, या परीक्षा में असफल होगा तो आत्महत्या कर ली। प्यारे बच्चों, जीवन अनमोल है, वो आपके माँ बाप ने आपको बड़े लाड और प्यार से पाला है, इस जीवन के ऊपर उनका भी हक है। और एक छोटी सी परीक्षा में अगर आप असफल भी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में असफल हो जाओगे, क्योंकि असफलता तो नई राहें खोलती हैं, नई चीज दिखाती। हो सकता है आपने जो उम्मीद करी हो उसके मुताबिक आपके अंक ना आए, हो सकता है कि आप असफल हो जाओ, लेकिन असफलता सफलता की जननी है, आप निश्चित रूप से ही अगली बार इसे बेहतर करोगे। दुनिया ऐसे लोगों के
उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, बीस बार नहीं, सैकड़ों बार असफलता पाई, लेकिन बाद में बड़े महान व्यक्ति बने और इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज करवाने में वो सफल हो गए। एक शायरी है कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। माँ बाप से भी मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बच्चों से बातें करें, कम्युनिकेशन गैप मत रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा अवसाद में तो नहीं जा रहा है। बच्चों से अच्छी उम्मीद करना अच्छी बात है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे महान बने अच्छी बात है उम्मीद करना, लेकिन बार बार इस चीज को रिपीट करवा करके उनके ऊपर बोझ नहीं बनने दे, उनको प्रेरित करें, प्रेरित करें। और जो कहते हैं कि प्रेरणा और प्रतिभा दोनों एक ही होती है, जो प्रतिभावान होता है वो प्रेरित होता है और जो प्रेरित होता है वो प्रतिभावान होता है, इसलिए प्रेरणा दे। प्यारे बच्चों, आपने जो अब तक जितनी मेहनत की है उसके ऊपर भरोसा रखे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपने जो मेहनत की है, जितनी पढ़ाई की है, उसके ऊपर भरोसा रखे कि मैंने मेरा सर्वश्रेष्ठ दिया है और आगे सब कुछ प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है, तो निश्चित रूप से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। या फिर भी कोई पेपर खराब हो जाए, असफलता मिल जाए या कम नंबर ला जाए, तो मेरा बार बार यही निवेदन है कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, मन को दृढ़ रखना है, मन को मजबूत रखना है, क्योंकि इंसानों ने ही यहां पर सबसे बड़ी सफलता पाई है। जो और कोई इंसान कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। असफलता मिलती है तो असफलता भी एक सफलता की शुरुआत ही होती है। नमस्कार मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव, जय हिंद, जय भारत।